तो चलो अभी है बाइनरी रिसर्च, ध्यान से समझना, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ हमारा एरे का साइज़ क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एरे? 15। ठीक है, 0 to 14 हमारा एरे का साइज़ है, राइट? ध्यान से समझना। नाउ इसमें क्या करेंगे, हम सपोर्टिंग वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, राइट? जिसमें बिगिनिंग यानी द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे, इनिशियली। तो इनिशियली बिगिनिंग की वैल्यू क्या है? 0। लास्ट यानी द लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे यानी 14, ठीक है ना? अब मिड क्या होगा? इन दोनों का सम होगा और उसका डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है? डिवाइड बाय 2, दैट टू बी इंटीजर पार्ट ओनली, इंटीजर पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो हमारा मिड क्या होगा? अभी 7 हुआ, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, दिस इज़ फॉर इंडेक्स वैल्यू, दिस इज़ फॉर द इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर ऑफ एरे। तो जो भी सर्च होगा ना, इस पोजिशन पर होगा। तो अभी हमें क्या सर्च करना है, वट नंबर वी आर सर्चिंग, टेल मी अ नंबर। 2। यस, नाउ वी वॉन्ट टू नंबर सर्च करना है 2, ठीक है? नाउ राइट, यहाँ देखोगे तो 2 है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता है, ये तो हमें दिख रहा है। तो अब सर्च कैसे होगा? सर्च यहाँ ऐसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है? कि सबसे पहले सर्च क्या होगा, यहाँ पे होगा, लेट मी मेक द कलर आपको दिखाऊँ, ये वाला जो मिड पोजिशन पे ही सर्चिंग होगा। तो यहाँ पे क्या ये 2 इस पोजिशन पे है क्या? नहीं है, नहीं है, राइट? फॉल्स हो गया। अब इसके बाद क्या चेक करना है, जो हम जो सर्च कर रहे हैं, राइट, जिस पोजीशन पे जो है, राइट, तो 27 और 2, क्या 27 2 से बड़ा है? है, राइट? तो क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली क्या है, लास्ट पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बिगिनिंग पॉइंट कर रहा है, और यहाँ मिड पॉइंट कर रहा है ना? ये है ना, तीनों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, इनकी पोजीशन यही है ना? तो उस केस में क्या करेंगे, लास्ट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे और यहाँ लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि 27 जो हम सर्च कर रहे हैं उससे बड़ा है, मतलब इसके आगे तो होना ही नहीं है, इसके आगे तो होगा ही नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए, ये सर्च से बाहर चला गया, अभी सर्च लिस्ट ये रह गई, राइट? तो अब लास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। बिगनिंग की वैल्यू 0 की 0 रहेगी। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यानी मिड अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट? अब ये देखा जाए तो 7, तो ये मिड भी यहाँ आ गया और 7 भी आपका आउट ऑफ सर्च चला गया। अब हमारी एरे की लिस्ट ये हो गई, रिड्यूस हो गई। यहाँ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमने यहाँ रिड्यूस की, यहाँ रिड्यूस की, ऐसा नहीं कि एरे डिलीट हो गया, एरे एग्जिस्ट कर रहा है, मैं यहाँ खाली आपको रिड्यूस करके समझा रहा हूँ, एरे अपनी जगह पे है, लेकिन अभी सर्च क्राइटेरिया हमारा चेंज हो गया। अब जो हम कहाँ सर्च कर रहे हैं, अब हम सर्च कर रहे हैं इस पोजीशन पे। तो मुझे बताओ, क्या जो हम सर्च कर रहे हैं, क्या इस पोजीशन पे है? नहीं है, अगेन नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या होगा, अगेन नाउ मिड विल बी शिफ्टेड टू, सॉरी, लास्ट विल बी शिफ्टेड टू हियर, मिड -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और अभी नया वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, राइट? ये हो गया। तो अब इस केस में क्या हो गया, मिड हैज़ बीन शिफ्टेड हियर एंड द एरे हैज़ बीन रिड्यूस्ड लाइक दिस। ये रिड्यूस हो गया, यहाँ से गायब हो गया, अभी हमारा एरे लिस्ट रिड्यूस होके ये 3 चीज़ें बच गई। तो जो अभी हम सर्च कर रहे हैं, अगेन राइट, नंबर 1 पे ये मिड आ गया। नाउ टेल मी, राइट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस इंडेक्स पे जो हम सर्च कर रहे हैं वो है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, अगेन बिगिनिंग एंड लास्ट दोनों इधर आ जाएंगे, बिगिनिंग भी 0, लास्ट भी 0 एंड 1 भी 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे है? नहीं है। नहीं है तो ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि बिगनिंग और लास्ट जैसे ही इक्वल हो जाएंगे, राइट, उस समय लूप स्टॉप हो जाएगा, और फिर भी नहीं मिला तो रिटर्न करेगा नॉट फाउंड, ठीक है? अब इसको थोड़ा बदलते हैं, ये समझ में आया? अब इसमें क्या किया था, मैं अंडू कर देता हूँ। इसमें ये क्या हुआ, टेक्निकली देखा जाए तो ये क्या कर रहे थे, हम ऐसा कर रहे थे कि ये हमने जो पूरी लिस्ट बनाई है, इसको हम बोल देंगे एक लाइन है, समझो ये हमारा क्या, सीक्वेंशियल लाइन है, और क्योंकि नंबर भी सीक्वेंस में है, नंबर भी सीक्वेंस में ना, तो ये समझ लो कि ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में हमको हमेशा नंबर सर्च करना है मिडल पे, जो हम ढूंढ रहे हैं, राइट? अब हम ऐसा नंबर देते हैं जो इसमें एग्जिस्ट करता है, राइट? बताओ अभी, सपोज इफ आई से द नंबर इज 34, ना अभी हमें 34 सर्च करना है, ठीक है? नंबर अभी 34 सर्च करना है, तो कैसे होगा? अब यहाँ पे अगेन पहले ये होगा, 7 नंबर पे 34 है क्या? नहीं है, ठीक है? अब जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं, क्या 27 34 से ज़्यादा है? नहीं, नहीं। तो क्या 27 34 से छोटा है? हाँ। उस केस में क्या करोगे, बिगनिंग को यहाँ शिफ्ट कर दोगे,
अब ये क्या हो गया, ये आपका सर्च क्राइटेरिया से बाहर चला गया। ऐसा नहीं कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है लेकिन सर्च क्राइटेरिया से बाहर चला गया। ठीक है, अब बिगनिंग कहाँ पे आ गया, बिगनिंग कम्स टू 8 क्योंकि वो बड़ा है, राइट। सर्च करने वाला नंबर बड़ा है तो इससे पीछे में तो होगा ही नहीं, अब इसके आगे की रेंज में ही होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, अब ये 8 और ये 14 का 14, अब मिड वैल्यू आ गया 11। नाउ अभी 11 पे, राइट, हम 11 पे सर्च करने वाले हैं, राइट। क्या ये 11 पे वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं 40, क्या यहाँ पे 34 उस पोजीशन पे है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो अब बताओ जो ढूंढ रहे हैं, यह जो 40 नंबर इससे बड़ा है, हाँ है, तो क्या करेंगे, लास्ट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे इधर, ठीक है। अब क्या आया, यहाँ बिगनिंग आपका 8 है, लास्ट क्या हो गया 10 हो गया ना, आपका ये क्या आया 9, राइट। तो क्या अभी हम जो सर्च कर रहे हैं वो पोजीशन नंबर 9 पे है क्या? हाँ है, तो ये रिटर्न करेगा, दैट्स फाउंड। पूछो ना बेटा, हमेशा सॉर्टेड पे ही होगा, हमेशा। पहला रूल मैंने बोला ना, बाइनरी सर्च इज शुड वर्क ओनली ऑन सॉर्टेड एरे। तभी तो आप देखो ये क्या कर रहे हैं, टेक्निकली देखा जाए तो नंबर लाइन को क्रैक, हाँ, तभी तो टेक्निकली हम ब्रेक कर पा रहे हैं ना, राइट। तो अब इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, राइट, इस कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। अनसॉर्टेड में बाइनरी नहीं हो सकता, बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। हाँ, अनसॉर्टेड को सॉर्ट करो फिर बाइनरी सर्च करो, सॉर्ट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। वो क्वेश्चन आ गया तो पहले अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करो, अब सॉर्ट आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हो, फिर उसके बाद बाइनरी। जब बाइनरी सर्च में क्या हुआ, देखो तीन क्राइटेरिया में ही फाइंड हो गया, राइट। अब यही लीनियर सर्च होता तो पहले पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ पोजीशन में मिलता, यानी 10 बार सर्च करने के बाद मिलता। तो ये सर्च उससे फास्ट हुआ कि नहीं टेक्निकली, समझे ना, तो ये फास्ट है। और वो अगर रेंडमली वैल्यूज हैं उसमें काम आता है आपका लीनियर सर्च, ठीक है। ये बाइनरी सर्च आपका सॉर्टेड एरे में ही काम करेगा। चलो इसका प्रोग्राम कोड देखते हैं, मैंने कोड तैयार किया है, देख लेते हैं। देखो, राइट, ये 50 का रेंडम एरे, ये वही वेरिएबल जो यहाँ डिक्लेयर की है, बिगनिंग, लास्ट, मिड, सर्च और एंड, और एक सपोर्टिंग वेरिएबल फ्लैग जो सी प्लस प्लस में चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, वही रेंडमली सॉर्टेड एरे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रोग्राम में, राइट, यहाँ पे रेंडमली जनरेट कर रहे हैं लेकिन ये सॉर्टेड होगा। अब ये सर्च वेरिएबल जो ये लिया है, सेम यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, राइट। जो सर्च, ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे सर्च इसको लिखना चाहिए था, ये नंबर है, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट द पोजीशन आई एम एक्चुअली मैचिंग, राइट। ये हम जो ढूंढ रहे हैं 34 या 15, ये जो चीज़ है, राइट, सर्च वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हाँ, राइट, वो ये एन 15 था, ये सही था, एन इज़ अ लेंथ ऑफ 15 और सर्च वेरिएबल 34, वही ढूंढ रहा है, बराबर है, राइट है, ठीक है, ये वही है। ओके, अब यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, बिगनिंग 0 है, लास्ट एन माइनस 1 है, वही बताया जैसे यहाँ पे बिगनिंग मैंने इनिशियली यहाँ से किया था और लास्ट यहाँ से किया था, एन 15 है तो एन माइनस 1, राइट, वही चीज़ यहाँ भी डिक्लेयर की है। नाउ व्हाइल बिगनिंग इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, ये लूप चलाया। अब देखो मिड इज इक्वल टू बिगनिंग प्लस लास्ट प्लस 2, ये दिया लास्ट अपॉन 2, जैसे ये किया पहले 7 फिर 11 ये 9, डिपेंड्स ऑन अ केस, केस टू केस वेरी करेगा, वही लॉजिक। अब देखो सर्च इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड, अगर मिला तो फाउंड करो, मिल गया है नंबर फाउंड, राइट, और यहाँ पे ब्रेक कर दो फ्लैग को प्लस प्लस करके। अगर नहीं मिला तो वही लॉजिक बताया, जो ढूंढ रहे हैं एरे ऑफ मिड से बड़ा है तो बिगनिंग को आगे शिफ्ट करो, जैसे मैंने बिगनिंग यहाँ पे बताया, बिगनिंग यहाँ से शिफ्ट होके 8 पे गया, जैसे यहाँ लिखे ना बिगनिंग 0 से 8 पे शिफ्ट हुआ, फिर लास्ट शिफ्ट हुआ क्योंकि वो छोटा नंबर था, ऐसे ही वही लॉजिक लिखा कि अगर ऐसा नहीं तो सर्च अगर छोटा है तो लास्ट को शिफ्ट करो, अगर नहीं मिला कहीं भी फ्लैग 0 का 0 रहा तो बोलेगा नंबर नॉट फाउंड, अदरवाइज फाउंड। तो सर्च एरे फंक्शन बना लिया, उसको रन करता हूँ, लेट मी शो यू कितने हम 15 नंबर ले लेते हैं एंड लेट अस जनरेट द वैल्यू नंबर 31, तो आ गया फाउंड एट 9 पोजीशन, राइट। ऐसे ही 15 नंबर देखो, ये सारा सॉर्टेड एरे है, रेंडमली जनरेटेड है। अब 24 डज नॉट एग्जिस्ट, अ सिंपल सिंपल कंसेप्ट ऑफ सर्चिंग द बाइनरी नंबर, बाइनरी सर्च। और कोई सवाल आ गया तेरे को भी? बाइनरी फाइल में कैसे सर्च करें? बाइनरी फाइल अलग चीज हो गई बेटा, ये बाइनरी एरे, एरे है, बाइनरी सर्च कंसेप्ट है,